वहां एक एक्टर, एक कंटेंट क्रिएटर, एक एडिटर और एक वीडियो शूटर सब बैठे हुए थे वहां पे, क्योंकि एक यूट्यूबर में ये सभी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। तो 5-10 रुपए वाली रिंग ले रखी है जो सिर्फ शूट के लिए यूज होती अच्छी है। अच्छी किस्म को बता दे। मोमोज की फैक्ट्री लगा दी हमने अपने शहर में। तो हम टीचर्स का यही दुख होता है कि अगर बच्चों को गर्मी लगती है तो हम टीचर्स को भी तो गर्मी लगती है, हमें भी तो घूमने जाना है कहीं। देखना सरोज मैडम, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है मायके से, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी दीदी सब इंजॉय कर रहे हैं मायके में, और मैं यहाँ स्कूल में पंखे में सड़ रही हूँ, ये कोई बात है? अपने लोग पैसा नहीं मांगते सर। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी, और हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फ्लुएंसर स्टोरीज में एक ऐसे कपल को जो बेहद फनी कंटेंट बनाते हैं और हरियाणा के रोहतक के रहने वाले, तो किस तरह का लठ गाड़ा हुआ इन्होंने अपने कंटेंट से सोशल मीडिया पर, तो आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ सैजल और त्रिगन है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अपने बारे में, अपने कंटेंट के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आप लोग ही बताइए, क्योंकि आप लोगों को सुनना हमारे व्यूवर्स और आपके व्यूवर्स के लिए उन्हें ज्यादा मजा आएगा, ना कि मेरे से। प्लीज। तो स्टार्ट ये कॉलेज टाइम से हुआ था। तो कॉलेज टाइम से क्या कंटेंट बनाना या फिर शादी की तैयारी? शादी की तैयारी तो शादी का सिलसिला कुछ है नहीं, हम पार्टनर्स हैं, वीडियो पार्टनर्स हैं, साथ में शूट करते हैं। तो हाँ, तो कॉलेज टाइम से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद टिकटॉक पे स्टार्ट किया। टिकटॉक बैन होने के बाद थोड़ा सदमा तो लगा हमको। वैसे बाय द वे प्रोफेशनली आई एम एन एडवोकेट, मैं एडवोकेट हूँ। ओके ग्रेट। हाँ, साथ साथ मैंने अपनी BLLB की पढ़ाई की थी और कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था टिकटॉक पे। तो टिकटॉक बैन होने के बाद फिर मैं वापस अपने स्टडी वाले ट्रैक पे आ गया, अपना भाई स्टडी कोर्ट जाना, कॉलेज जाना, अपना पढ़ाई करना, उसी जोन में आ गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जब इंस्टाग्राम रील्स आया तो फिर से वो अंदर का जो जानवर होता है ना, कंटेंट वाला, मतलब वहां वो वकील नहीं बैठा हुआ था, वहां एक एक्टर बैठा हुआ था। वहां एक एक्टर, एक कंटेंट क्रिएटर, एक एडिटर और एक वीडियो शूटर सब बैठे हुए थे वहां पे, क्योंकि एक यूट्यूबर में ये सभी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। तो बस तब फिर से स्टार्ट किया, एक एक नई जर्नी स्टार्ट करी और चलते गए और पहुंच गए यहां तक। तो सैजल, आप लोग बताइए कि कितने समय से आप लोग कंटेंट बना रहे हैं अलग अलग, क्योंकि पहले जैसे बताया कि त्रिगन ने कि आप लोग टिकटॉक पर थे और वो बड़ा सदमा था सभी के लिए जो टिकटॉक के ऊपर फेमस थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो टिकटॉक के नाम से जाने जाते थे कि टिकटॉक स्टार है। तो कितने समय से बना रहे और वो वाला सदमा कैसे था और उससे बाहर निकल के, क्योंकि एक नई जर्नी शुरू करनी होती है ना, क्योंकि आपने बहुत सारे नंबर वहां पर कमा लिए होते हैं। तो बेसिकली मैं तो नहीं थी टिकटॉक पे, मैं टिकटॉक के टाइम पे स्कूल में टीचर थी और त्रिगुण था पिछले 5-6 साल से वीडियो बना रहा है त्रिगुण, बट मैं टिकटॉक पे नहीं थी। मैंने वीडियोस बनानी अभी 1-1.5 साल से स्टार्ट किया, उससे पहले मैं जॉब करती थी। वो बस प्राइवेट जॉब होने के कारण जॉब छोड़ के सब दिखा एक्टिंग करनी है तो मैं वीडियोस में आ गई। वैसे तो अभी आप लोग बताइए, जैसे कि आप टीचर थे, त्रिगुण आप बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, तो मतलब क्या लग रहा है कि इस, देखिए वैसे तो खैर जो शौक होता है, जो पसंद होती है, वो ही एक उसी वही अगर प्रोफेशन बन जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल अर्निंग की बात करें, क्योंकि देखिए ठीक है शौक आपका अपनी जगह है, लेकिन फाइनली घर चलाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक अच्छी खासी अर्निंग की जरूरत है। तो क्या जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स है, क्योंकि एक बड़ा सवाल भी आता है फैमिली परिवार उनके लिए भी एक टेंशन होती है, खासतौर से जो नए अभी बच्चे शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो क्या हम एक समय के बाद इतनी अर्निंग कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यार हम अपना बहुत अच्छे से अपना घर चला रहे हैं, सारी चीजें ठीक से चल रही है? नहीं, किसी भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर को अर्ली स्टेज पे ये गलती नहीं करनी चाहिए कि पूरा आप इस पे डिपेंड हो जाओ। एक्चुअली मैंने जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैं एज ए लीगल मैनेजर था कोटक महिंद्रा बैंक में। तो प्राइवेट नौकरी का MNC का प्रेशर तो सबको पता ही है, तो उसी प्रेशर, पीक प्रेशर में आके मैंने वहां से रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं यही करूंगा। तो बेसिकली यही है कि आपको ये नहीं, मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो अर्ली स्टेज पर उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी जॉब छोड़ देंगे, सारी अर्निंग हम वीडियो से कर लेंगे। वीडियो से अर्निंग करना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको 3-4 महीने चाहिए बहुत आराम से। तो आपको साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करनी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जब तक आप इतने अर्न करने के कैपेबल नहीं हो जाते हो।
नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, खासतौर से जो अभी नए क्रिएटर्स जो हैं, जो इस तरफ अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, और अगर उन्हें लग रहा है कि, क्योंकि समय लगता है, कोई भी वीडियो है, कंटेंट आप बना रहे हैं, लोगों तक पहुंचेगा, लोग पसंद करेंगे और धीरे धीरे उसके ऊपर एक अच्छी रीच आनी शुरू हो जाती है। तो जो शुरुआती दौर रहा था, युगल मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आपने ये जर्नी पहले शुरू की थी सेजल के मुकाबले, तो जो शुरुआती दौर रहा वो क्या वो सक्सेस पहले ही हिट में मिल गई थी या कई ऐसे दौर आए थे जहां से आपको लगा कि यार अब हो नहीं पा रहा है, क्या करें, और फिर आप उठे और फिर आपने चलना शुरू किया? पर जॉब छोड़ने के बाद ना, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि जॉब छोड़ने के एक महीने में ही मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत, एक मोमोज वाला वर्सेस प्राइवेट नौकरी, ऑलमोस्ट मतलब उसपे 60 मिलियन व्यूज थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे 80 मिलियन। तो बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, तो मुझे लगा इसका पार्ट टू बनाना चाहिए, तो मैंने पार्ट टू बनाया तो वो भी 50 मिलियन प्लस गया। लड़की पास जो ज्वेलरी चली गई ना वापिस नहीं मिलती। तो नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, जो चली गई सेजल वो गोल्ड की थी या फिर वो छल्ला जो है 20-50 तो बेच खाई, वो तो बेच खाई। हमने शूट के लिए स्पेशली मतलब 5-10 रुपए वाली रिंग ले रखी है जो सिर्फ शूट के लिए यूज होती है। सारे खुलासे आज यहाँ पर होने हैं कि क्या क्या आज आप कुछ बता रहे थे त्रिगन की किस तरह से आपने वो मोमोज वाला तो सेकंड पार्ट हमने वो बनाया ना, तो मैं खुद को बहुत लगी मानता हूँ कि अर्ली स्टेज पे बहुत जल्दी है ना, मतलब जैसे मैंने यूं लगा कि ये क्या हुआ, मैंने एक दरवाजा बंद किया अपनी नौकरी का और एक महीने में दूसरा खुल भी गया, मतलब सब कुछ इतना जल्दी हो गया ना, मैं क्या बताऊं। तो उसके बाद से फिर कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेशन मेरे को पहले महीने में स्टार्ट हो गया, फर्स्ट मंथ में, और मुझे पता भी नहीं था कि इतना अमाउंट मिलता है, कि जितनी मेरी सैलरी है उसका डबल ट्रिपल अमाउंट एक वीडियो का मिलता है रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे। फिर मैंने मतलब तो सोच लिया मिलोड बोलने में नहीं मिल रहा था, उससे ज्यादा जो है यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पे कॉमेडी करने से मिल रहा था। तो मुझे लगा कि अब तो मैंने सोच लिया, क्योंकि जैसे मैंने जॉब छोड़ी निकल पड़ी हाँ कि कोई और देख लूं, लेकिन फिर मैंने देखना छोड़ दिया जॉब, फिर मैंने लगा तो यही करना है। लेकिन उसके 6-7 महीने बाद ना फिर मुझे फील हुआ कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। एक महीने तो आप बिल्कुल टॉप पे हो और अगले ही महीने आप डाउन पे आ गए हो, तो स्टेबिलिटी नहीं है, आपको इसके साथ साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस तरह फिलहाल मैं कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मेरा अपना बिजनेस भी है, प्लस मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में एज ए कंटेंट हेड भी हूँ। ओके ग्रेट। और अब हम शूट भी करते हैं, यूट्यूब पे भी हमारे अच्छे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, ब्रांड डील्स भी आती रहती है, तो अब ठीक है, अब ट्रैक पे आ चुके हैं हम लोग। तो जिस तरह से मैंने देखा आप लोगों के अलग अलग हैंडल्स हैं दोनों के, तो जो कंबाइंड आप वीडियोस बनाते हैं, तो ये होता है कि नहीं पहले एक हम एक आइडिया पे काम कर रहे हैं और इस वीडियो को सिर्फ एक ही हैंडल पे लेके जाएंगे, या फिर उसको शेयर भी कर लेते हैं कि नहीं यार अब ये तो दोनों पे जाना चाहिए, या उसमें भी कभी कभी छीना झपटी भी हो जाती है कि कभी त्रिगुण कहता है कि नहीं ये तो मैं डालूंगा, कभी सेजल को होता नहीं ये मेरे वाले पे पहले डालना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है हम कंटेंट खुद से सोचते हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा जो हैंडल है मैं उस पर डालती हूँ टीचर रिलेटेड कंटेंट, क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ तो मुझे टीचर्स की बहुत नॉलेज है कि टीचर्स कैसे अपनी दुख पीड़ा सुनाती हैं स्कूल में। और त्रिगुण का कंटेंट है मोमोज वाला, तो हमारे में लड़ाई नहीं होती, मैं टीचर वाले बना के डालती हूँ और ये मोमोज वाला बना के डालते हैं, हम दोनों का क्राइटेरिया ही बिल्कुल अलग है। हम मेरी आइडेंटिटी ही मोमोज से स्टार्ट हुई थी, और जब जब मुझे लगता ना कि मेरे अकाउंट पे रीच कम आ रही है तो मैंने ऐसे मॉडल ले लिया मोमोज के आसपास वाली, और वो वायरल है। त्रिगुण को कोई त्रिगुण के नाम से जानता ही नहीं है, हर कोई जो भी अगर फैन मिलते हैं मैं तो कहते हैं वो देखो मोमोज वाले भैया। आप गूगल पे लिखोगे ना मोमोज वाला, बस इतना लिख दोगे तो मेरी फोटो आ जाएगी बहुत सारी। कभी मन में आता है कि यार जब मोमोज वाला चल ही रहा है तो साथ साथ कंटेंट बनाने के साथ मोमोज के भी जो आउटलेट खोल दिए जाए, बताओ। इनकी फैक्ट्री मोमोज की ही है, मोमोज के आउटलेट्स हैं रोहतक में 5-6। अच्छा वाह, मतलब देखिए बहुत सारी चीजें देखिए निकल कर आ रही है कि किस तरह से कि मतलब सिर्फ कंटेंट ही नहीं बन रहा है, मोमोज भी बन रहे हैं, मतलब 1+1 स्कीम चल रही है यहाँ पर। Exactly, कि कंटेंट भी लोगों को कंज्यूम कराओ साथ में मोमोज भी। अब सर क्या हुआ कि लोगों ने ना बोलना शुरू कर दिया, अरे मोमोज वाले भैया क्या हाल है, मैंने कहा सब मोमोज वाले बोल रहे हैं अब तो कुछ करना पड़ेगा। मोमोज वाले
मोमोज की फैक्ट्री लगा दी हमने अपने शहर में, और जो हमारे शहर की पॉपुलर जगह है वहां पे हर कोने पे अपनी कार्ट लगा दी मोमोज की। नहीं, एक अच्छा भी है कि जब आप एक स्टार बन गए और इसी नाम से आप जाने भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखते हैं पाव भाजी वाली गर्ल दिल्ली कितना बड़ा पाव सॉरी तो बहुत सारे लोग जो इस तरह से उन्होंने नेम फेम भी कमाया, लेकिन आपने अपने वीडियोस से जो है उसमें गए और उसके बाद आपने ये सब चीजें शुरू की, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो कॉन्टेंट, आप कभी रोहतक आओ, हरियाणा आओ तो जरूर ट्राई करना। मैं आपको बताऊं, मैं भी हरियाणा से ही हूँ, मैं इस वक्त गुरुग्राम से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट। गुरुग्राम तो ये रहा, आप जब भी आप रोहतक आओगे ना, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आपको मैं खिलाऊंगा मोमोज, हमारे मोमोज का जो नाम है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आना होगा, और मैं बहुत बार रोहतक भी गया हूँ, बहुत बार गया हूँ रोहतक, और अक्सर दाए बाएं कहीं जाना होता है तो रोहतक के आसपास से ही गुजरना भी होता है, तो रोहतक तो राजनीति का गढ़ है, सेंटर है, पावर सेंटर और पत्रकारों को खूब भाता है रोहतक, तो आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बार जब आना होगा तो बिल्कुल आएंगे, और गुरुग्राम जब आपका आना हो तो प्लीज आइएगा। चलिए अब आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। जो कंटेंट आप लोग लिखते हैं, जो मतलब आइडियाज है, मतलब वो उसके ऊपर एक रिसर्च होती है, आप पूरी एक टीम काम कर रही है या नहीं, आप लोग ही आता है कि हाँ ठीक है आज इसके ऊपर करते हैं कुछ आइडियाज, क्योंकि एक एक दिशा में जब काम कर रहे हैं तो वो कॉन्टेंट भी चाहिए आप लोगों को। सर, जो हमारे कंटेंट का होता है वो बेसिकली कैसे चलता है, एक तो हम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है। जैसे मेरे कंटेंट है अभी चल रही है जून, मतलब समर वेकेशंस ऑफ स्कूल, तो मैं जितने भी कंटेंट बनाऊंगी रिलेटेड टू समर वेकेशंस बनाऊंगी, कि टीचर समर वेकेशंस में क्या कर रही है, बच्चे समर वेकेशंस में क्या कर रहे हैं, मम्मी और बच्चे समर वेकेशंस में क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसे होता है बेसिकली ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। टीचर अभी क्या कर रही है, बच्चों का और मम्मियों का तो समझ में आ रहा है कि मम्मियां सर पीट रही हैं, बच्चे जो है वो होमवर्क करने के नाम पे परेशान है, टीचर्स क्या कर रही हैं इस वक्त, वो थोड़ा सा एक बार हमें, अगर हमारे दर्शकों को और अपने दर्शकों को थोड़ा सा आप एक बार एक्सप्लेन करके कुछ एक्ट करके बताए। ऑफकोर्स सर, बेसिकली क्या होता है, मैंने 5 साल टीचर की जॉब की है, तो हमारे साथ टीचर्स के साथ क्या होता है कि बच्चों की तो छुट्टी हो जाती है, लाइक 25 मई 26 तक बच्चों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन टीचर्स को स्कूल में बुलाया जाता है, कम से कम 15 से 20 जून तक हम टीचर स्कूल जाती हैं, स्कूल का काम करते हैं, और स्कूल में कुछ काम हो या ना फिर भी हम स्कूल जाते हैं क्योंकि हमें सैलरी मिलनी है जून की। तो हम टीचर्स का यही दुख होता है कि अगर बच्चों को गर्मी लगती है तो हम टीचर्स को भी तो गर्मी लगती है, हमें भी तो घूमने जाना है कहीं, लेकिन स्कूल वाले ये नहीं समझते हैं, टीचर्स को जून में भी स्कूल बुलाते हैं और मुश्किल से नियर अबाउट 5 to 6 days का ही उनको ऑफ देते हैं, तो ये दुख दर्द पीड़ा होती है टीचर्स की। तो वो दुख दर्द पीड़ा वो गॉसिप में किस तरह से आप लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं? हम ऐसे शेयर करते हैं कि वैसे तो मैंने एक वीडियो भी डाली अभी यही दुख दर्द पीड़ा की, लेकिन यही बोलते हैं, देखना सर रोज मैडम मेरी मम्मी का फोन आ रहा है माइके से, मेरी छोटी बहन मेरी बड़ी दीदी सब इंजॉय कर रहे हैं माइके, और मैं यहाँ स्कूल में पंखे में सड़ रही हूँ, ये कोई बात है? लेकिन आखिर ये टॉर्चर तो हो जाता है कि सुबह शाम जब आपको एक काम मिला हुआ कि कम से कम बच्चों को डांट के टाइम तो पास हो जाता है, पढ़ा के टाइम तो पास हो जाता है, और वो खाली बैठे गॉसिप करनी है। त्रिगुण, आपका जो कंटेंट जिस तरह से रहता है, मतलब मैंने देखा कुछ और लोग भी साथ में होते, तो वो जो टीम जैसे काम करती है, जैसे आपके कॉन्टेंट में कभी सैजल आ गए या आप सैजल के कॉन्टेंट में आप उनके साथ में, या बाकी लोगों को भी जिस तरह से करते, तो ये एक आपस में एक बॉन्डिंग है एक दूसरे के लिए कि हाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट इस तरह से हम करते रहेंगे। जितने भी करेक्टर्स हैं जो मेरे वीडियो में आते हैं वो सब मेरे या तो दोस्त है या फैमिली मेंबर्स है, मेरी सिस्टर आएगी या मेरे जीजा जी आ जाएंगे या मेरे दोस्त आ जाएगा या सेजल आ जाएगी, मैं इनसे बाहर निकलता ही नहीं, लिमिटेड से करेक्टर है, और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जिस करेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है मैं उन्हीं को लेता हूँ। ये लोग पैसा नहीं मांगते इसलिए इनसे बाहर नहीं जा रही। अपने लोग पैसा नहीं मांगते इसलिए मैंने पूछा कि इसलिए आदमी बाहर नहीं जा रहा है कि बिजनेस बटेगा नहीं, पैसा बटेगा नहीं बॉस। इनके भी अपने अपने अकाउंट्स होते हैं, तो ऐसा होता है इनकी हेल्प मैंने ले ली, मेरी हेल्प इनने ले ली, तो ये एक दूसरे का हाथ साथ देके काम चलता रहता है हमारा। नहीं नहीं, अच्छी बात है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही आगे बढ़ा जाता है, और इस तरह से ही बढ़ना भी चाहिए, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी देश भर के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर लेकर आए जो एक बॉन्डिंग बने, कम्युनिटी ऐसी बन जाए जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई नजर आए और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी हो, तो यही एक कोशिश हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि 10 अगस्त को इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड बिल्कुल आपके नजदीक में गुरुग्राम में रखा है, तो उस दिन मोमोज पार्टी जो है आपकी तरफ से रहेगी, अभी से हाँ भरवा लेते हैं।
ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा शुरुआत में मुझे बताइए, शुरुआत में जब आप लोगों ने बनाना शुरू किया, अच्छा सिजल आपने जॉब छोड़ दिया या कर रहे हैं आप जॉब? नहीं सर, मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा तो यही वही बताइए, आप वकील थे, क्योंकि होता है ना परिवार में भी सबको लगता है कि चलो यार लड़का अब वकील बन गया है, कोर्ट में जाएगा, दो चार पांच केस लड़ेगा, पैसा लेकर आएगा आपके लिए। बस लास्ट में जो आपने बोले ना पैसा लेकर आएगा, सब कुछ हो गया, वो लास्ट ना पैसा लेकर आएगा, बस वो नहीं हो पाया। अच्छा क्योंकि वकालत में क्या है कि आपको खुद को ना 10 साल तक चलाना होगा, आपको उस लायक बनाना होगा कि आपके क्लाइंट का आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो। एक 22-23 साल के लड़कों को अपना केस नहीं देगा। आप किसी के अंडर प्रैक्टिस करोगे तो वो तो आपको मुंशी बनाएगा जी, ये काम कर दो वो काम कर दो। हाँ लेकिन उसके लिए हम बने नहीं है, हम स्टार्टिंग से ही मतलब क्रिएटिविटी तो स्टार्टिंग से ही है माइंड में, खून में थी एकदम से भरी हुई थी, इंजेक्शन लगा लगा के। तो मतलब शुरुआत से ही पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया था कि यार ये सब क्या करने लगे, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स का ये है कि यार पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम धंधा छोड़ के ये क्या वाहियात सा काम करने लगे हो, लगा हो वीडियो बनाने, क्या ये एक्टिंग कर रहे हो, कोई फिल्म स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में बिल्कुल था ऐसे, लेकिन जब बताया ना कि ये देखो ये मैंने वीडियो बनाया है और ये कुछ रोकड़ा है यहाँ से, ये आपका है, इससे अच्छा गेम भाई साहब ने दूसरा खेला, भाई साहब ने गेम अलग कर दिया। ये तो ठीक है भाई, तूने 3-4 महीने कोर्ट में प्रैक्टिस करी तब तो उतना नहीं ले पाया, या तूने एक हफ्ते में इतना कर लिया। बस ये सर पावर है सोशल मीडिया की, एक प्लेटफॉर्म है ये जिसमें टैलेंट है, अपना टैलेंट इस्तेमाल करके यूज करके लोगों को दिखा के वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा बिल्कुल। और सेजल आपके आपका एक्सपीरियंस क्या था, जब शुरुआत में आपने नौकरी छोड़ के कंटेंट बनाना शुरू किया तो फैमिली का क्या शॉकिंग रिस्पांस था? सर मेरे अकॉर्डिंग ना फैमिली तब आपको सपोर्ट नहीं करती जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, उनके ऊपर डिपेंड हो ना तो वो मेरे को नहीं लगता सपोर्ट करेगी तुम्हें। तो मेरा क्या था, मैं जॉब पे जाती थी फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 4 मेरा स्कूल होता था, उसके बाद मैं वीडियोस बनाती थी तो फैमिली भी सपोर्ट कर देती थी कि ठीक है अपने टाइम में कर रही है, अर्न भी कर रही है, साथ साथ अपना टाइम निकाल के रेस्ट करने की बजाय वीडियोस बना रही है, ठीक है। तो फैमिली ने सपोर्ट करना ऐसे स्टार्ट किया, मैंने 1 साल विद जॉब वीडियोस बनाई हैं, 1 साल बाद मुझे लगा मेरा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है वीडियोस से, तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और वीडियोस में मैं वीडियोस की तरफ हो गई प्रॉपर। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात की जो बीच में भी आपने कही थी सेजल और त्रिगुण की, आप अगर कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, साथ में कोई ना कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहां से दो पैसे आप अपनी चीजों को चलाने के लिए कमा रहे हो, क्योंकि एकदम से कंटेंट बनाने से पैसा नहीं आएगा, वो एक समय लगता है। ये अच्छी बात थी त्रिगुण के लिए कि उन्होंने जैसे वो मोमोज वाला डाला तो वो वायरल हुआ, वहां से उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलता चला गया। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूं तो सेजल त्रिगुण, उन्हें समय लगता है, 3 साल लग जाते हैं। एक्चुअली वो एक होप होती है ना, वो होप बहुत बेकार चीज है। एक होप होती है कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो उस होप पे ना रहो आप। जब तक वो चीज आप एग्जीक्यूट करके उसको पाना लो ना, तब तक आप दूसरी चीज छोड़ो मत। हम होप में रह, चलो कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दी है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, उससे अगले महीने आ जाएगा, तो ऐसे ना हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा। और मैं सभी से व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेजल और त्रिगुण बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इन लोगों को भी आप सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वाहियात टाइप का कंटेंट भी बनाते हैं, वाहियात तो समझते ही होंगे, हरियाणा से हैं, खराब और गलत तरह के, जिसमें गाली गलौज और पता नहीं किस तरह की चीजें। और आज के वक्त में हम भी जब डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखिए आज वो डिजिटल सोशल मीडिया के सबसे बड़े आइकन तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी जो जर्नी शुरू की थी वो बहुत ही खराब तरह के वीडियो बना के की थी। तो सभी कंटेंट क्रिएटर्स ये कि आप अच्छे बनाइए, जिस तरह से सेजल और त्रिगुण भी बना रहे हैं और लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गाली गलौज करेंगे किसी के बारे में, एकदम से बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप वायरल होंगे। कुछ टिप्स आप देना चाहें उन कंटेंट क्रिएटर्स को जो शुरुआत कर रहे हैं सेजल त्रिगुण, ये आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है और ये जरूरी भी है कि इन लोगों को हमें मोटिवेट करते रहे, उन्हें बताते रहे कि हाँ मैं किस डायरेक्शन में काम करेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप जो भी वीडियोस बनाओ सबसे पहले एक क्राइटेरिया रख लो। जैसे मेरा क्राइटेरिया है टीचर का,
त्रिगुण क्राइटेरिया है मोमोज वाले का, आप एक सेलेक्ट कर लो कि मेरा क्राइटेरिया यही है, मैं इसके अलावा रीच होना चाहिए आपको सर। एक ना क्या होता है, अपना ना कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। अगर आप कभी कुछ करते रहो तो खिचड़ी बन जाएगी, लोग पहचानने की नहीं, देखेंगे नहीं आपको। सबसे पहले करेक्टर बिल्ड करो। जैसे एक लड़का है अंकुर अग्रवाल वाइंस, आपने देखी होगी, तो मैं देखता हूँ कि उसने बहुत कम टाइम में ना बहुत अच्छा कंटेंट बनाया और बहुत अच्छी रीच ले ली, क्योंकि उसने एक करेक्टर डेवलप कर लिया है कि वो किसी भी करेक्टर में घुस के उसकी एक्टिंग करके लोगों को शो करता है। बहुत ही सिंपल रिलेटेबल कंटेंट होता है उसका। तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना, वो अपना एक करेक्टर बिल्ड कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है। आशीष चंचलानी हमेशा बाप बेटे का रोल करता था, भुवन बम जो है उसके भी करेक्टर डेवलप हो रखे अपने, उसके पिता का, उसकी मम्मी का, उसका अपना, मतलब एक अपनी नीच पकड़ लो, उस पर लगे रहो। किसी को कॉपी ना करो कि वो ये कर रहा तो मैं आज ये कर लूंगा, वो ये कर रहा है तो आज मैं ये कर लूंगा। अपनी नीच बनाओ, अपना करेक्टर बनाओ और उस पर खेलो, तो सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी आपको। नहीं, ये बहुत अहम बात आपने कही है तमाम उन क्रिएटर्स के लिए कि आपको कुछ नया बनाना है। त्रिगुण और सैजल ने जैसे अपनी अपनी एक आइडेंटिटी बनाई कि मोमोज वाले और वो टीचर है, कॉपी नहीं किया कि नहीं मुझे फलाने जैसा बनना है, तो ये अच्छी बात है। चलिए एक और सवाल आप लोगों से, क्योंकि जब होता है ना आदमी जिस इंडस्ट्री में जाता है तो फिर उसका एक आइडियल होता है कि यार मुझे उस जैसा बनना है, वहां तक पहुंचना है। आप दोनों के कौन कौन है वो आइडियल सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया के मेरी तो धरना दुर्गा मुझे बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट। उनके जैसी एक्टिंग करनी है, मेरा तो यही है कि बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेबल, बिल्कुल बहुत नेचुरल एक्टिंग होती है उनकी। त्रिगुण तुम्हारा? मैंने भी एग्जांपल दिया है अंकुर अग्रवाल। हाँ, अंकुर अग्रवाल बहुत नया लड़का है वो, और अभी 3-4 महीने पहले ही आया है, और वो जैसे करेक्टर में घुस जाता ना, वो उसको कुछ भी बना दो वो करेक्टर में पूरा घुस जाएगा, पता नहीं लगेगा लड़का कौन है वो। तो बस वो चीजें काफी मोटिवेट करती है मेरे को। काफी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बहुत जल्दी आया है और अच्छी सक्सेस पे चले गए हैं, और ऐसे भी है जो पिछले 10 साल से लगे पड़े हैं लेकिन अभी भी उसी जोन में है, उसी स्टेज पे है। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल, एक मैं तारीफ करूंगा आपकी दिल से कि नॉर्मली क्या है कि लोग उनको अपना आइडियल या ये कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ इनसे सीखने को या मोटिवेशन मिलता है, जो 10 20 50 साल हमारे से ज्यादा हो गए, जिनको हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप उस लड़के का एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसे कि आपसे आए हुए अभी कुछ 4-5 महीने हुए हैं, जबकि आपको उससे कहीं ज्यादा समय हो गया, लेकिन आप बिल्कुल ये इसको कहते हैं बड़कपन। ये उसे किसी की भी पर्सनैलिटी का बड़ा होना, एक व्यक्ति अपनी इसी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से बड़ा होता है, इस अपनी सोच से बड़ा होता है, ये बहुत अच्छी बात है और ये सबको सीखना चाहिए। कंटेंट के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर आप बनो ना बनो, पहले अच्छे इंसान बनो आप, फिर सब हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके भी कि आप दोनों जिस तरह की पर्सनैलिटी है, और सभी को इस तरह से होना भी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, और यही तो एक खूबसूरती है इस देश की और खासतौर से हरियाणा की। हरियाणा के तो थोड़ा सा फेवर ले लेते हैं अपनी साइड में। ये हुई ना बात, हरियाणा वालों की बात ही अलग रहे। चलिए, नहीं बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, और 10 अगस्त को इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड 2024 गुरुग्राम में होना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे उस दिन के लिए। बिल्कुल सर, बहुत एक्साइटेड है। आप होगे ना वहां पे? कहीं ऐसा हो कि मैं मोमोस पैक करवा के लाऊं, आप होना वहां पे? नहीं, ये ऐसा सवाल है, सवाल का जवाब मैं क्या दूं? ये बिल्कुल ऐसा है कि त्रिगुण का मोमोज वाला वीडियो बनना है, और जो कैमरा पर्सन ये पूछ रहा है त्रिगुण से कि आप उसमें होंगे या नहीं होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल वहां पर रहूंगा, सुबह से शाम तक रहूंगा, आप लोगों की पूरी आवभगत में रहेंगे, और एक चीज मैं जरूर आप लोगों को भरोसा देता हूँ कि ये इवेंट रिपोर्टर जी का नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आप सबका इवेंट है, ये आपका अपना इवेंट है, और आप उस दिन आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वही फीलिंग भी आएगी कि आप किसी और के इवेंट में नहीं आए, आप बिल्कुल अपने ही परिवार के किसी इवेंट में आए, अपने घर के इवेंट में आए, आप अपने इवेंट में आए, ऐसी फीलिंग आप लेकर जाएं। ये पूरी कोशिश पूरी टीम हमारी कर रही है, इससे पहले के इवेंट में भी हमने यही सब किया था, और हमें खुशी होती है कि जो एक एक व्यक्ति जब आता है और वो एक एक खुशी लेकर जाए, वो एक सम्मान लेकर जाए, तो यही हमारी एक कोशिश भी है। इसीलिए हमने इस बार इस इवेंट में
इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड को रखा ताकि आप लोगों को हम एक जो अच्छा काम कर रहे हैं वो एक अप्रिशिएशन हम एक स्टेज के ऊपर दे पाए। थैंक यू सर, हम बिल्कुल आएंगे, मिलेंगे आपसे। चलिए बहुत अच्छा लगा, और फिलहाल के लिए अब हमारी आपकी राम राम फिलहाल के लिए, लेकिन हम मिलते रहेंगे और 10 अगस्त को एक बार फिर से आप दोनों से मुलाकात होगी। और उस दिन सेजल ध्यान रखिएगा कि त्रिगुण जो है मोमोज के पैकेट जरूर लेकर आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा कंटेंट बनाते रहिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, त्रिगुण और सेजल को आप सपोर्ट कीजिए, इनके कंटेंट को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और प्लीज एक बार आप अपने हैंडल्स थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता रहे, प्लीज। मेरा जो हैंडल है वो मेरे नाम से ही है, त्रिगुण के नाम से ही है। आप लिखोगे कहीं भी, लिख दो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, तेरा त्रिगुण लिख दो और आपके प्रत्यक्ष हम प्रस्तुत हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, प्रकट नहीं प्रस्तुत हो जाएंगे, प्रकट तो अपने घर पे रहेंगे। मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो है मेरे नेम से ही, सेजल गाबा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेजल गाबा लिख दोगे तो मेरा हैंडल आ जाएगा। चलिए तो आप इन लोगों को बिल्कुल आप फॉलो कीजिएगा और साथ में रिपोर्टर जी को भी फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, रिपोर्टर जी को भी आप सर्च करिए यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट पे हो ना सर आप? नहीं, अभी स्नैपचैट पर नहीं है हम लोग, अभी ट्विटर पर हैं हम लोग, अभी इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं और यूट्यूब पर हैं और वेबसाइट है। और जल्दी देश का पहला 24 घंटे का डिजिटल न्यूज चैनल भी हम बनने की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। चलिए आप खुश रहिएगा और आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं।